अच्छा वो देखो सामने दो स्कूटर नजर आ रही हैं। हाँ। उसके बीच से लेकर जाता हूँ मैं गाड़ी को, तुम देखना संभाल के यहाँ। हाँ देखो। पैसा फालतू है क्या, क्यों बार बार पैसा फूंकना चाहते हो आप? पटेल ये तुम्हारी दो बातें बंद नहीं करोगे ना तो बोर हो जाऊंगा, और बोर हो जाऊंगा तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर दो बातें हो जाएंगी। या तो मैं तुम्हारे पीछे जो गैराज है वहां पे ले जाऊंगा गाड़ी को, या जो तुम्हारे सामने गैराज है वहां ले जाऊंगा गाड़ी को। पीछे ले गया तो कोई बात नहीं, सामने ले गया तो दो बातें हो जाएंगी, या तो तुम्हारे यहाँ कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे या आने बंद हो जाएंगे। आने वालों को तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तुम्हारे यहाँ कस्टमर आने बंद हो जाए। अरे क्यों अपना नुकसान कराना चाहते हो, सीधे सीधे बना दो ना वो एस्टीमेट तो मैं चला जाऊँ इंश्योरेंस कंपनी के यहाँ। देखो देखो भाई साहब, ये इंश्योरेंस लेना आसान नहीं है। अरे मैं बोलता हूँ ना, मैं दिला देता हूँ। जाऊँ मैं क्या? कहाँ? इंश्योरेंस कंपनी सामने वाले गैराज में। क्यों खाली वेली सर बच्चे करते हो यार, अपन बैठा है ना यार, फिर काटते रहना इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर। ठीक है, क्या नाम बताया अपना? मुसद्दीलाल तेंदुलकर। क्या चाहिए? नहीं मुझे एक वो चाहिए फॉर्म। काहे का? ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। ओ तो इंश्योरेंस क्लेम करा ना। जी। कितने का है? यही 7,000 रुपए का है। बस बस। क्या बोलता तू? बोलूं क्या मैं बोलूं? सुन सुना, देता क्या 2%? क्यों दूं मैं 2%? अरे क्लेम करेगा धक्के खाएगा, मैं यूं ही दिलवा दूंगा। और क्या बोल, क्या बोलता तू? ना मैं ना बोलूं। तो क्लेम नहीं चाहिए क्या? अरे तो 2% क्लेम क्यों दूंगा? तो कितना दोगे? अरे मैं तो 1% भी नहीं दूंगा। अरे सीधे सीधे बोलो ना कि 0.5% दूंगा। कोई बात नहीं, गरीब आदमी हो, माफ के लाओ एडवांस। तो अरे एडवांस एडवांस किस चीज का? मैं तो आधे का 0.5% भी नहीं दूंगा। अरे आधे का आधा तो हम भी नहीं लेते हैं। अरे दे कौन रहा है? अरे क्या है, क्या हुआ? पता नहीं आ जाते कहां कहां से कंगले। क्या बोल रहा मुझे तू? मैं कंगला बोल रहा तू? अरे चले यहां से, दिमाग खराब मत कर, दिमाग तू बहुत खराब कर। कंगला किसको बोला? कंगला किसको बोला? किसको कंगला? भाई साहब काम डाउन काम डाउन। यहां कितने लोग हैं? यहां पे 1, 2, 3 लोग हैं। पांडे जी खुद को तो बोलेंगे नहीं। हां ठीक है, नहीं हमको बोलेंगे नहीं। हां ठीक है, नहीं तो फिर समझ जाइए ना किसको बोला। अरे तो फिर पूछा किसको बोला कंगला? अरे बड़े महापुरुष हैं आप, मेरे इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ पा रहे तो साफ कर दो ना। क्या साफ कर दूं? साफ में माफ माफ कर दीजिए। हाँ आप हाथ वाथ जोड़ रहे हैं तो लगता है थोड़े सभ्य आदमी हैं। ठीक है, माफ कर दिया इनको मैंने, इनको तो मैंने माफ कर दिया, लेकिन आप वो साफ कर दीजिएगा। तो साफ, आप सफाई कर्मचारी है क्या? जी नहीं। इसीलिए सफाई पे इतना ध्यान दे रहे हैं? सफाई तो रखनी ही चाहिए। भाई साहब कोई काम नहीं है क्या? बेकार है? बेकार नहीं, उकार है मेरे पास। इंश्योरेंस कराने आए हैं? इंश्योरेंस क्लेम लेने आए हैं? भाई गॉड बड़ी हिम्मत है। हाँ क्या मतलब हिम्मत है आपकी, दाद देते हम। ये लीजिए फॉर्म, ये लीजिए। जी थैंक यू वेरी मच। कितने पैसे दूंगा आपको? फॉर्म वॉर्म का पैसे नहीं लेते हम लोग। भाई कमाल है, पहला ऑफिस ऐसा देखा जहाँ पे फॉर्म के पैसे नहीं लेते। क्योंकि इसके अलावा भी कुछ देते नहीं ना हम लोग। मतलब क्लेम तो दे देते हैं ना, ट्राई करने में क्या हर्ज है? अरे नहीं वो ऋतिक रोशन वाली वही ना, चैंपियन सिनेमा में लगी है, देखनी है मुझे, लेकिन टिकट ही नहीं मिलती उसकी। कौन जाएगा लाने के लिए? गुड आइडिया, किसी कस्टमर को ही भेज देती हो। नहीं अभी तो कोई नहीं है, एक था उसको सब्जी लाने के लिए भेज दिया है, अब आएगा तो उसी को भेज देती हो। हाँ आया आया, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। ले आए सब्जी? जी मैडम। गुड, देखो तो क्या क्या लाए हैं। शी 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 शी, ये कैसे टमाटर ले, सड़े हुए टमाटर लेके आए हो? शी, ये लौकी है? मैडम वो क्या, ये वो इतने दिनों से सब्जी ला रहे हो, अभी तक नहीं पता सब्जी कैसी लाई जाती है? जी वो क्या वो ये सब्जी है? टमाटर तो बिल्कुल ही सड़े हुए हैं। देखिए ना भाई साहब, ये लौकी है। हाँ? तो बिल्कुल तुरई जैसी लगती है लौकी का। किस तरह की सब्जी भेजते हैं मैडम को? यही तो। मैं सब्जी नहीं भेजता भाई साहब, मेरे घर में चोरी हो गई थी, उसके इंश्योरेंस के क्लेम के चक्कर में 1.5 साल से सब्जियां ला रहा हूँ ये। क्या? जी। तब भी नहीं सीखे कि सब्जी कैसी लानी चाहिए? लाओ बाकी के पैसे दे दो। बाकी के पैसे? आपने पैसे ही कहाँ दिए थे? ये सब तो मैं अपनी जेब से लाया हूँ। तो फिर जाओ। कमाल है ना मैडम, अजीब अजीब लोग आते हैं आपके पास। गोभी अच्छी लाया है नहीं? जी हाँ बंद है। हाँ। ये लीजिए। ये क्या है? जी मुसद्दीलाल तेंदुलकर। तो मतलब मेरे पास एक कार है। लगता नहीं आपको देख के। सेकंड हैंड कार खरीदी थी मैंने, उसका कल एक्सीडेंट हो गया। उसका 7,000 रुपए का क्लेम है, वो लेने के लिए मैं आपके पास आया। ओके ओके, मुसद्दीलाल तेंदुलकर 125 चैंपियन सिनेमा के पीछे मूलगंज। जी ये मेरा पता है। आप चैंपियन सिनेमा के पीछे रहते हैं? जी आप समझ लीजिए कि चैंपियन सिनेमा की और हमारे घर की दीवार बस एक ही है। अच्छा। हाँ वहीं बैठे बैठे हम पूरी पिक्चर सुन लेते हैं। सुन लेते हैं? देख तो नहीं सकते ना, लेकिन आवाजें आती रहती हैं। तो
चैंपियन सिनेमा में आपकी जान पहचान तो होगी? पहचान पहचान क्या मैडम, बहुत ज्यादा जान पहचान। अच्छा, तो चार टिकट निकलवा के दीजिए ना। वो ऋतिक रोशन वाली फिल्म लगी है ना उसकी? अरे मैडम, उसकी तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, लाठी चार्ज वगैरह हो रहा है, कहाँ से लाऊंगा चार टिकट? लास्ट में पूरा बिल भरा था मैडम, अब तो मेरी फाइल आगे बढ़वा दो। फाइल आगे बढ़ जाएगी, पहले बिल तो भराओ जी। अरे देख के भैया, ये लीजिए मैडम। मिल गई, तुम्हारी तो बड़ी जबरदस्त जान पहचान है। जी हाँ, बहुत जान पहचान है मेरी। क्या हुआ? वो लाठी नहीं पहचानती थी मुझे। हाँ, वो मेरा फॉर्म। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट, ये आप ही रख लीजिए। जी मैं क्या करूंगा इसका? अब मुझे क्या पता, मतलब ये एक्सीडेंट वाले मैटर तो भाटिया साहब हैंडल करते हैं ना। तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? आपने मौका ही कहाँ दिया, बस टिकट लेने के लिए भाग गए। एनीवे अब भाटिया साहब से मिलो। 30 रुपए का टिकट है, मुंह दे रहा हूँ आपको। थैंक यू। ये फॉर्म तो इनकम्प्लीट है। नहीं, कंप्लीट है सर, साथ में समोसे अटैच किए हैं मैंने। इनकी एंट्री तो मैं अभी करता हूँ, लेकिन FIR अटैच नहीं की। FIR? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं कराई। पुलिस स्टेशन में? पुलिस स्टेशन क्यों सर? एक्सीडेंट का केस है भाई, तहकीकात तो होगी ना। क्या तहकीकात करेंगे वो? आपने किसी को उड़ाया हो तो? नहीं सर, बहुत ही मामूली सा एक्सीडेंट था, मतलब मैंने किसी को नहीं उड़ाया, बहुत ही ज्यादा मामूली एक्सीडेंट था। बहुत ही ज्यादा मामूली एक्सीडेंट था तो फिर 7,000 रुपए का खर्चा कैसे हो गया? दरअसल अब हो गया। तो कैसे कैसे हो गया? क्या नंबर बताया था आपने अपनी कार का? जी MMK 1733। ये नंबर आपको कुछ जाना पहचाना नहीं लगता? अरे हाँ, ये नंबर मुझे भी थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। सर ये तो मेरी गाड़ी का नंबर है। हाँ नहीं, वो मैं ही कह रहा था कि ये नंबर मुझे जाना पहचाना क्यों लगता है। माफ कीजिएगा, कहीं ये कार चोरी की तो नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं सर आप। ठीक है, आप FIR की कॉपी निकलवाइए। तो सर कब तक मिल जाएगा क्लेम? अरे भाई अभी तो मुलाकात हुई है, आप FIR की कॉपी निकलवाएंगे, फाइल बनाएंगे, फाइल आगे बढ़ेगी, उसके बाद हमारे इंस्पेक्टर ने शुक्ला जी इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद वो रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट पांडे जी उषा जी तक पहुंचाएंगे, उषा जी मेरे तक पहुंचाएंगी, फिर मैं रिपोर्ट पढ़ के तय करूंगा कि क्या केस है। शुक्ला जी ये देखिए, ये हेडलाइट देखिए टूटी हुई है, हेडलाइट। और ये डेंट उस तरफ। पटेल जरा डेंट दिखाओ ना इनको यार, डेंट। इधर एक डेंट है देखो इधर। अरे एक वहीं नहीं है, वहां पे भी है, उधर पीछे भी है, इधर भी है, डेंट ही डेंट है गाड़ी के अंदर। भाई साहब ये 1,000 रुपए से ऊपर का खर्चा नहीं है इसमें। 1,000 रुपए? पटेल बताओ ना, क्लेम 7,000 रुपए का है। गुरु तुम अपना भी प्रॉफिट लगा के पटेल। शुक्ला जी क्या आप तो जानते हैं। अरे भाई सबके लिए ठंडा लाओ भाई। लेकिन ये जो है नहीं हो सकता। अरे ऐसा कैसे कह रहे हैं आप, ठंडा पीजिए आप। भाई 7,000 का क्लेम कराना हमारे बस में नहीं है भाई साहब। अरे सब बस में, आप तो मालिक हैं हुजूर। कसम से बोल रहा हूँ, टोटल फ्रॉड केस है। खुदे 4-5 डेंट मार करके एक्सीडेंट क्लेम करने चल दिए ना। नहीं, आप वो देखिए ना उसके अंदर, मैंने वो FIR दर्ज कराई है, पर्ची है उसके अंदर। अरे भाई जान ऐसे FIR तो 50 रुपए में बनते हैं। 50 रुपए में? मैंने तो 5 रुपए दिए। कहाँ? नहीं मतलब ये है कि एक्सीडेंट तो हुआ था ना। कैसे? क्या है कि कल रात को मैं अपनी बीवी के साथ जा रहा था, तो सामने से 2 मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, मतलब उनकी हेडलाइट मुझे दिखाई दी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी जो है उनके बीच में से कट करके ले जाता हूँ। तो मैं बीच में से कट करने गया तो पता चला कि वो 2 हेडलाइट्स और मोटरसाइकिल जो हैं उनके बीच में कोई जगह ही नहीं थी। कौन सी मोटरसाइकिल थी? नहीं वो क्या है ना शुक्ला जी, वो क्या है, वो मोटरसाइकिल नहीं थी, वो बस थी। ना, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतने बड़े बस से गाड़ी टूके और इतना सा डैमेज। ना, पॉसिबल है भाई, बस चल नहीं रही थी, बस खड़ी थी। महान है आप भाई साहब, मतलब खड़ी बस में बड़ा ठोक दी। बताइए शुक्ला जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप ये क्लेम पास कर दीजिए। पान खिलाओ यार। ए मुन्ना इधर पान लेके आओ साहब के लिए, ये लो 10 रुपए। पान लेके ना जल्दी, जरा जल्दी। हाँ साहब आप पास कर दीजिए साहब प्लीज। अरे साहब आप तो ऐसे पास कर दीजिए बोलने जैसे हाई स्कूल फेल होगा। चलिए मैं आपको गुरु मान लेता हूँ और मैं शिष्य हूँ, अब तो पास कर दीजिए। पढ़ा लिखा आदमी है। जी हाँ जी हाँ, लेकिन जनरल नॉलेज थोड़ी शॉर्टेज है आपकी। जी हाँ जी हाँ, और क्यों? वो क्या है कि बिना गुरु दक्षिणा के कोई गुरु पास करता है क्या? मैं समझा नहीं। अरे यार पटेल समझाओ यार, इस आत्मा को समझाओ। आइए आइए साहब, क्या आप भी, ये शुक्ला है ना खाता बहुत है। हाँ देख रहा हूँ मैं, पान खा रहा है तब से और मंगा लिया। पान तो खाता ही है लेकिन माल बहुत खाता है, बिना खाए कोई काम करता नहीं है ये। अच्छा मतलब रिश्वत घूस। हाँ मतलब
वैसे एकदम सीधा आदमी है, बहुत भोला आदमी है, लेकिन काम एकदम सॉलिड करता है। मैं 5% लूंगा, बोलो बात करूं। नहीं बात क्या करनी है, मैं कर लेता हूं बात। शुक्ला कितना खाता है? क्या मतलब ये था कि ये बात आपको जरा पहले बता देनी चाहिए थी ना। शुक्ला जी देखो ये मेरा पहचान वाला आदमी है, कुछ नहीं करेगा, किसी को कुछ नहीं बताएगा, डोंट वरी। ओ भैया मुटड्डी लाल जी, आपका 7,000 का क्लेम हम पास करेंगे। अरे क्या बोल रही, अरे मेरी जान, सीधा 20,000 का क्लेम पास करेंगे। क्लेम तो हमारा 7,000 रुपए का, तो 20,000 का क्यों करेंगे? 7,000 तुम्हारे, 3,000 हमारे, 10,000 हमारे, बोलो मंजूर? मंजूर। कितना चेक करेंगे मैडम, क्लेम रियल है? हाँ देखना पड़ता है ना कितना रियल है वो। अरे तो शुक्ला जी ने देखा तो है। यही तो, इसलिए तो देखना पड़ रहा है जी। कितना दिया शुक्ला को? क्या दिया? ईमानदारी से बताओ कितना दिया? अरे हमने कहाँ दिया, उसने खुद ही ले लिया। अच्छा हाँ। कितना दिया? 10,000। अच्छा तो उसे बिना मांगे दिया, और हम मांग रहे तब भी? आपने मांगा कहाँ है? हमने नहीं मांगा ना। तो आप मांगते हैं, दो। कितना? खुद ही समझदार हो। नहीं ये बताइए आप खाती कितना है? जो है ना उसका 2% ही दो। अरे 2% दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं दोगे तो कुछ नहीं बचेगा। नहीं मगर फिर भी तो लाते रहो सब्जी। नहीं मतलब, अच्छा ठीक है दो एडवांस। अरे अभी नहीं है, कल ला दूंगा। ठीक है फिर परसों पांडे जी से फाइल ले जाना। ओके। अरे पांडे जी जब 10-20 रुपए लेने हैं लो और फाइल आगे बढ़ाओ भाई। 10-20 की तुम डेली खैनी खा जाते हैं तो क्या, परसेंटेज की बात करो, परसेंटेज की। अच्छा आधा परसेंट? आधा नहीं, आधा तब था, अब 1%। अरे अपनी औकात देखिए, औकात देखिए तुमने अपनी। मेरी छोड़ो अपनी देखो, 1% दे नहीं सकते, औकात की बात कर रहे? क्या क्या क्या, तुम्हारी तरह सेकेंड हैंड गाड़ी में नहीं घूमता हूँ, नई कार ले रखी है मैंने, और वो भी बिना इंस्टॉलमेंट के। ये देखो चाबी, ये जाओ रास्ता नापो। अरे मैं रास्ता नापू? तू जानता नहीं है मुझे, मुसद्दीलाल तेंदुलकर नाम है मेरा। मुसद्दीलाल तेंदुलकर? तू ऐसे कह रहा है जैसे सचिन तेंदुलकर का रिश्तेदार है। तो तू पांडे पांडे ऐसे कह रहा है जैसे मंगल पांडे का रिश्तेदार है। देख तेंदुलकर, तेरे नाम के आगे तेंदुलकर लगा इसलिए इज्जत कर रहा हूँ, वरना पांडे के आगे जीने लगाने की वो सजा देता, वो सजा देता। तू देगा सजा मुझे? तू सजा देगा? तेरी औकात क्या है? दो कोड़ी का पीएन खाकी ड्रेस, गरीब पांडे की औलाद। तेंदुलकर पांडे, पैंट मारो, पैंट से बाहर निकलने की कोशिश मत कर, वरना। अरे वरना क्या, अगर मैं पैंट खोल दूंगा तो मेरा क्या कर लेगा? अरे भाई साहब आपकी समस्या क्या है, चपरासी देखते ही लड़ाई करने लगते हो, चपरासियों से खानदानी प्रॉब्लम है क्या? अरे इसको समझा दीजिए, वरना इस बार माफ नहीं करूंगा मैं इसको। आप इसको साफ कर दीजिए भाई साहब। मतलब आप बीच बचाव नहीं करेंगे ना? अरे मेरे हाथ से खून हो जाएगा आदमी का, खून हो जाएगा शुक्ला जी। छोड़िए पांडे जी, मैंने आपको माफ कर दिया। आपने भी पांडे के आगे जी लगा? मैंने भी माफ कर दिया। तो बताइए तो फाइल कहाँ है? आधा परसेंट कहाँ है? अरे आधा परसेंट तो मैं जेब में लिए घूम रहा हूँ, ये लीजिए आप। फाइल भी भाटिया जी के पास है। ये डैमेज क्लेम 7,000 से 20,000 कैसे हो गया? ये तो जी शुक्ला जी ने बनाया, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। उनकी जेब से क्या जाता है? नहीं उनकी जेब के अंदर जाता है। नहीं मतलब वो जब उन्होंने कार को देखा तो उन्होंने कहा कि मैं इसका बिल्कुल सही एस्टिमेट बना के देता हूँ। अभी पता चल जाएगा। पांडे पांडे जी जी कही जी। आप जी 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 क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बुला रहा हूँ। नहीं नहीं पांडे को बुलाने के लिए पांडे जी कहिए। अरे कितने दिन से आ रहे हैं ऑफिस में? यही 7-8 महीने से। बहुत जल्दी पिकअप किया आपने पांडे जी। अरे मैं जी आपको किसने बुलाया था? हाँ चाय और समोसे ले आओ। नहीं नहीं मेरा ख्याल है आपने पांडे जी को शुक्ला जी को बुलाने के लिए बुलाया था। आप जाइए आप जाइए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं शुक्ला जी को बुलाने के लिए पांडे जी को क्यों बुलाऊंगा बताइए? मैं शुक्ला जी को बुलाने के लिए शुक्ला जी को ही बुलाऊंगा ना। आपकी बीवी आपको बुलाने के लिए किसी और का नाम लेके बुलाती है क्या बताइए? जी नहीं। नहीं ना, आप ही का नाम लेके बुलाती है ना? जी नहीं। मतलब तो मेरी बीवी मुझे बुलाती ही नहीं है सर। आई एम सॉरी। इट्स ओके इट्स ओके। सैड बट डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। जी मेरे क्लेम का क्या होगा? अभी कहा सरकार, अभी तो आपकी कार का इंस्पेक्शन होगा कि डैमेज क्लेम 7,000 से 20,000 कैसे हो गया, देखना पड़ेगा जी। पटेल लिस्ट बनाओ भाई। जी सर। देखो बोनट के ऊपर एक समोसे के साइज का डेंट और बम्पर के ऊपर एक रसगुल्ले के साइज का डेंट। जी सर आप जरा ध्यान से देखें तो पीछे एक कलिंगड़ के साइज का डेंट भी है। वो नहीं दिख रहा मुझे, तो दिख रहा है। क्या कलिंगड़? इसका तो मौसम नहीं है ना सर। जब मौसम ही नहीं है तो कलिंगड़ के साइज का डेंट कैसे पड़ गया? ये क्लेम पास नहीं हो सकता। अरे नहीं भाटिया साहब ऐसा मत कीजिए, बहुत ज्यादा खर्चा है, बहुत ज्यादा खर्चा। अरे कितना खर्चा बता रहे यार पटेल। अरे इतना हो गया, जितने का क्लेम किया है ना उतने का हो गया, तो
फ्रॉड है ना। अरे भाई क्लेम तो जेन्युइन है, शुक्ला ने 10,000 खाए, पास तो करना पड़ेगा भाटिया साहब। ना ना इसकी जांच होगी भाई, बोलो पटेल बोलो। हाँ तो जांच करिए ना, सब झूठ है। ये पास हो ही नहीं सकता क्लेम भाई। अरे लेकिन शुक्ला जी ने तो पास कर दिया था। मैं फेल करता हूँ तो मतलब कि... शुक्ला जी टीचर है ना, तो ये हेडमास्टर है। ओहो अच्छा, हेडमास्टर जी मेरा क्लेम पास कर दीजिए। आप डेली मेरे पास हेडमास्टर बोल रहा है, समझा इसको। क्या फिर से आप हाई स्कूल फेल की तरह बिहेव कर रहे हैं? आइए मैं आपको समझा दूं। वहीं जा तुम, वहीं से बता दो कितना खाता है ये। अरे हाँ हाँ यही तो बताने के लिए यहाँ पे आ रहा था कि तुम कितना खाते हो। एक मिनट, मैं आपको ये समझाने वाला था कि ये खाते नहीं है। क्या? हाँ, मुझको रिश्वत? अरे तू भी फेल, तेरा क्लेम भी फेल, तेरी कार भी फेल, तेरा रसगुल्ला फेल, तेरा समोसा फेल। अरे भाई ऐसा मत कीजिए प्लीज, प्लीज मत ऐसा मत कीजिए। ये 10,000 रुपया खर्च हुआ है कार को तोड़वाने में, आप 20,000 रुपया क्लेम दे दीजिए प्लीज। अच्छा, मतलब गाड़ी भी खुद तोड़ी है? नहीं, अरे ये तो बौखला गया है। हाँ हाँ मैं तो बौखला गया हूँ। देखिए मैं आपके ऑफिस के चक्कर लगाता लगाता एकदम बौखला गया हूँ, बल्कि क्या उसको कहते हैं, मैं चक्कर घिन्नी हो गया हूँ। आप अरे पटेल बताना यार, इसको अपनी लैंग्वेज में समझाना यार। मैं क्या समझाऊँ, बता दो ना वरना दो बातें हो जाएंगी। भाई भाटिया साहब, भाई इनका क्लेम पास कर दीजिए वरना दो बातें हो जाएगी, या तो ये आपके ऑफिस के चक्कर काटेगा या तो भूल जाएगा। भूलूंगा क्यों, और ऑफिस के चक्कर काटे तो दो बातें होगी, या तो ये डेली आएगा या तो वीकली आएगा। वीकली आया तो ठीक, डेली आया तो दो बातें होगी, या तो ये आपके लिए रोज समोसे लाएगा या तो रसगुल्ले लाएगा। समोसे लाया तो ठीक, और रसगुल्ले लाया तो दो बातें होगी, या तो आपको डायबिटीज होगी या तो नहीं होगी। अरे होगी कैसे नहीं, खिला खिला के रसगुल्ले डायबिटीज कर दूंगा। और अपने आप हुई तो? अरे क्यों, अरे क्यों क्यों भाटिया साहब, आप डायबिटीज जैसी बीमारी के साथ मरना क्यों चाहते हैं? बेचारे का क्लेम पास कर दीजिए, गरीब आदमी है। एक मिनट, मैं तुम्हारा 20,000 का क्लेम पास नहीं करूंगा। पटेल क्या यार, मैं 40,000 का क्लेम पास। पटेल क्या यार, 15,000 मेरे को देने पड़ेंगे। और आप तो खाते नहीं? मैं समोसे तो खाता हूँ ना। चलो ठीक है, भाई साहब वो अपना 3 तय हुआ था ना, वो उसका 5 कर देना। सवाल ही पैदा नहीं होता, तो फिर दो बातें हो जाएगी, समझे? दे 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 दे। लेकिन एक मिनट यार, ये थोड़ा कम लगता है, 40,000 का नुकसान नहीं लगता ये। एक काम करो, इसको थोड़ा रियल बनाओ, रियल थोड़ा कम है, थोड़ा कम। पटेल ये रॉड लीजिए, हो जाओ शुरू खपा खप। हाँ यहीं से स्टार्ट करता हूँ फिर मैं। हाँ लाल जी। अरे भाटिया जी, ये रहा आपका 40,000 रुपए का चेक सर। लेकिन ये चेक हम आपको ऐसे नहीं देंगे, ये चेक आपको उषा जी देंगे। उषा जी, भाटिया जी, ये चेक की एंट्री कर लीजिए और इनके साइन ले लीजिए जी। अब तो आपको कोई कंप्लेन नहीं ना इंश्योरेंस के खिलाफ? अरे नहीं नहीं, आप लोगों के रहते कैसे हो सकती है। अब तो गाड़ी झिनचक हो जाएगी इनकी। लेकिन इनकी गाड़ी का नंबर MMK 1733। आपको अपना लगे ना लगे, पता नहीं क्यों मुझे अपना सा लगता है। ये अपनी कंपनी की गाड़ी थी, पिछले साल ऑक्शन में पटेल ने खरीदी 20,000 में। हाँ फिर मैंने इनको 25,000 में चिपकाई थी, बेची थी। पांडे जी अब बता रहे हैं आप, ये वही गाड़ी है जो हमने 20,000 रुपए में बेची थी? हेलो ता, उसका एक्सीडेंट क्लेम 40,000 रुपए। यही तो मैं सोचूं मेरे हाथ एंट्री क्यों नहीं कर रहे, कुछ गड़बड़ है। नहीं गड़बड़, गड़बड़ क्या है भाई, ये क्लेम तो पास ही नहीं हो सकता। क्यों? अरे भैया जो चीज 20,000 में बेची गई है उसका एक्सीडेंट क्लेम 40,000 रुपए, मरवाइए क्या हम लोगों को, अपनी नौकरी चली जाएगी। नहीं देखिए, इसका क्लेम सिर्फ 7,000 तक ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। क्या शुक्ला जी, इनका 7,000 रुपए का चेक बनवा दीजिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं सर आप, सर आप क्या कह रहे हैं प्लीज। अरे अरे सर, आपको आपका एक्चुअल क्लेम तो मिल रहा है ना, 7,000 रुपए जो आपने पिछले साल पहले महीने में किया था। नहीं नहीं, लेकिन मैं दो बार उसके बाद गाड़ी तोड़ चुका हूँ, तो अब कम से कम 12,000 रुपए तो लगेंगे गाड़ी बनवाने में। अरे तो भाई साहब हम क्या करें, इंश्योरेंस कंपनी को धोखा दे दें। अरे पैसे खाए हैं आपने? मैंने, हमने तो समोसे खाए थे। हम तो सिर्फ भैया पान खाए, हमने तो 0.5% खाया। मैंने तो सिर्फ 2% ही खाए थे। अरे मैंने तो कुछ नहीं खाया। अरे तो फिर किसने खाया है? आपने। मैंने मैंने क्या खाया है? चक्कर।